हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे और जहाँ भी होंगे मचा रहे होंगे। तो आ चुका हूँ एक और न्यू नाइट कैंपिंग वीडियो के साथ। तो अभी यार शुरू होने लग गई है हल्की सी बारिश और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे। अभी हम यहाँ से ऊपर जाने वाले थे बट सडनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हमको यहीं पर टेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार टेंट लगा लेते हैं यार, क्योंकि बारिश हो रही है। चलिए दोस्तों, फाइनली अपना टेंट लग चुका है।
फुल बारिश हो गई थी यार टेंट लगाते लगाते। बाकी टेंट वगैरह तो बिल्कुल भी भीगा नहीं है, सेफली बिल्कुल लग चुका है और बाहर कंटिन्यू बारिश चल रही है। चलिए अब इंजॉय करेंगे बारिश। तो बाहर कंटिन्यू बारिश चल रही है तो ऐसे मौसम में यार थोड़ा सा मैं भी भीग चुका हूँ, तो कॉफ़ी तो बनती है, सबसे पहले कॉफ़ी पिलाते हैं, और क्योंकि राहुल भाई भी थोड़ा बहुत भीग चुके हैं वरना फिर बीमार हो जाएंगे। कैसी बनी? बढ़िया ना, हार्ड होगी क्या? ठीक ही बनी है, नमक और नमक जो है ना क्या बोलते हैं, चीनी, हाँ चीनी कम हुई है, कम हुई है और डालना है ना, ना पेटीज हैं और साथ में अपने पास एक पेटीज भी है तो ही नमक है। तो बारिश कंटिन्यू है और अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया था तो ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये अपना टेंट और पीछे का व्यू देखिए क्या शानदार लग रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे पूरे चीड़ के पेड़ हैं और बहुत हाइट है इनकी, यहाँ से पूरा फॉग उड़ते हुए आ रहा है इस साइड को, तो एक आप टाइम लैप्स इंजॉय कर लीजिए। तेज बारिश होगी ना, खतरनाक वाली। अब जाके यार थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, शायद रुकी भी नहीं है, हल्की हल्की बहुत माइनर बारिश चल रही है बाहर पे। तो अब टाइम भी हो गया लगभग 7:30, 7:25 हो चुके हैं, 7:30 होने वाला है, तो करते हैं डिनर बनाना स्टार्ट। क्या हुआ सर? तो चलिए शॉपिंग कर लेते हैं सबसे पहले।
तो गाइस आप पनीर खाने की ड्यूटी मिली है। बिल्कुल अट मारेगा। कभी चाकू चलाया इससे पहले आज तक? ये चला रहा हूँ ना, वही तो कहना भाई, आज तक नहीं चलाया था तभी आज चल नहीं पा रहा ढंग से। अरे नया चाकू है ना इसलिए। हाँ ये भी चाकू चलाने में माहिर है यार। आप काटोगे पनीर? ना तू काटेगा इधर ना, ठीक है ना, बुझ जा। ये देख ऐसे काटते हैं क्योंकि नहीं आता काटना, तो मेरे पास चक के देखते हैं। परफेक्ट है, खा सकते, खाने लायक है। तो भाई चॉपिंग वगैरह अपनी सारी हो चुकी है और बाहर चल रही है कंटिन्यू बारिश। तो लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था, एक सिस्टर थी रिया कुमारी करके, तो उन्होंने कमेंट किया था कि अगले कैंपिंग में पनीर बनाना। तो आज बना रहे हैं पनीर, नहीं आज बना रहे हैं हम शाही पनीर। तो आज बढ़िया शाही पनीर बनाएंगे और ऐसे मौसम में मज़ा आ जाएगा यार, तो इंजॉय करिए आप कुकिंग। बाकी जिसको कुकिंग ज़्यादा नहीं देखनी है तो स्किप कर सकता है। ये रखी कढ़ाई, तो तेल गरम हो चुका है अपना, इसमें डालेंगे 4 काली मिर्च और 1 इलायची। तेल के छींटे चले गए राहुल के, उसमें जला तो नहीं? हाँ नहीं दे रहे। चलो सॉर्ट किया, बाकी ये हो गया। मैं रेस्ट करता हूँ, डालते हैं प्याज। ऐड कर देते हैं इसमें टमाटर, बहुत अच्छे तरीके से टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें बारी है ऐड करने की, अपने पास है काजू और मगज का पेस्ट जो कि मैं घर से ही बना के लाया था, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बना नहीं सकता था, ये जूसर या मिक्सर में बनता है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, इससे थोड़ी सी ग्रेवी हमारी ठीक होगी। इसमें ऐड करूँगा मैं ये अपना मिक्स मसाला है, इसमें सभी चीज़ ऐड है, तो इसको डालते हैं। साथ में शाही पनीर मसाला, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको 10 से 15 मिनट कुक होने देंगे, फिर जाके इसमें पनीर ऐड करेंगे। से 15 मिनट इसको कुक होने देते हैं। तो बढ़िया से शाही पनीर की ग्रेवी अपनी उबल रही है और अब
क्या खाना चाहोगे, पनीर के साथ रोटी या चावल? जो आप खिलाना चाहेंगे ना, आज तुम्हारी मर्जी चलेगी। मेरी? हाँ, शाही पनीर है, उसके साथ चपाती या राइस, दोनों चीज पड़े अपने पास। लेकिन मैं हाँ जल्दी बोलो, कल सुबह पनीर निकालना है। रोटी या चावल? रोटी खानी है आज, पक्का? चावल रोज खाने ना। हाँ वैसे भी ठंडा हो रहा है आज, रोटी। तो चलिए आज राहुल भाई की पसंदीदा खाना बना रहे हैं, तो ठंडा भी हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, तो साथ में आज शाही पनीर के साथ रोटियां, ठीक है? बढ़िया। चलिए कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे, साथ वाला खाई खाने के लिए आता है कह रहे थे कुछ कहना चाहोगे? किसको बोल रहा है? आपसे कह रहा हूँ। कौन क्या बोल रहा है? चलिए लगभग आटा भी गूंथ चुका है, शाही पनीर का बिल्कुल बढ़िया कलर आ चुका है, और ये ग्रेवी पक भी चुके 10 मिनट, इसमें ऐड कर देते हैं आप पनीर क्यूब्स। आप करते हैं रोटी बनाने की तैयारी, अभी शायद हल्की सी बारिश रुकी हुई है। बाकी राहुल भाई बाहर बैठ चुके हैं, वो वहाँ से बनाते रहेंगे, मैं यहाँ से बेलते रहूँगा। रोटी फुल तो नहीं रही बट ठीक है, बन रही है। कच्चा खिलाएगा ये? फुल रही है, फुल रही है, साइड से देख। हाँ हाँ बना रही है। रोटी बनाना भी यार इजी नहीं होता है कैंपिंग में, बट हम सब ट्राई करते हैं भाई, क्योंकि हमेशा चावल ही नहीं खा सकते। नहीं हुआ था वो, देख तो चलिए एक बार अच्छे से सभी रोटी बना लेते हैं, फिर कोई जल जा रहे हैं, कोई फिर कच्चे रह जा रहे हैं ऐसे, तो एक बार अच्छे से सभी रोटियां बना लेते हैं। बाकी इतनी रोटियां बन चुकी है, चलो भाई फाइनली रोटी वगैरह तो सब बन चुके हैं, और मौसम अभी भी पूरा वैसी है, पूरा बादल से ढका हुआ है। अभी थोड़ी देर में दोबारा बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। दस बजकर 14 मिनट हो चुके हैं, और अब जा गया अपना परफेक्टली डिनर बन चुका है। बाकी भूख बहुत लग गई ना, बहुत भूख लगी है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश कंटिन्यू चल रही है, बिल्कुल बारिश बाहर। तो चलिए खाएं आप? हाँ बिल्कुल, इंजॉय करते हैं अपना डिनर।
गाइस आप आ रही है घी की, घी लगा के फिर टेस्ट बढ़ जाता है ना, इसलिए घी जरूर चाहिए। बिना घी के तो मैं खाता ही नहीं हूँ घर में। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। तो चलिए टेस्ट करते हैं। सच में एक नंबर। इसके साथ चावल खाने में मजा नहीं आता उतना जितना रोटी खाने में आता है। सच में रोटी थोड़े हार्ड हो गए। हाँ, सूख गया ना थोड़ा सा। तो मजा तो आ ही रहा है। देखिए बिल्कुल पूरी गाढ़ी हो रखी है ग्रेवी, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, थोड़ा बहुत ऐड किया था। वाइट और तो सब ठीक होता है, बट ना एक रोटी ऐसी चीज़ है जो घर की तरह नहीं बनती है। और चावल वगैरह तो और भी अच्छे बन जाते हैं, सब चीज़ पनीर अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बट एक ये है रोटी में थोड़ी बहुत कमी रही जाती है। बनाना हमने चाहिए कहीं भी बन जाते हैं, नहीं बनती घर की जैसे, फिर भी बन जाती है, पता नहीं किस चीज़ में कमी रहती है। बाकी यार देखिए रोटी में पूरा घी लगा हुआ है, पराठे दिख रहे होंगे आपको ये। हो भाई साहब टाइम हो गया आपका 10:41 और कितने रोटी खाई राहुल भाई? थ्री रोटी राहुल भाई ने खाई और मैंने 5 रोटी मैंने खाई। यार बहुत डिलीशियस बना था आज शाही पनीर। और बाकी बारिश चल रही है कंटिन्यू, अब तेज़ हो रही है हल्की हल्की करके, तो अब सोते हैं आराम से क्योंकि अब काम भी कई है, कुछ काम है नहीं, तो सोते हैं नींद निकालते हैं। बाकी गुड नाइट यार, बारिश की आवाज़ आ रही होगी आप। बाकी यार आज ये बेडशीट है, ठंडा होगा तो रात को इसी को ऐसे ढक लेंगे। आज स्लीपिंग बैग वगैरह नहीं लाया। गुड नाइट राहुल भाई, आप मोबाइल बंद करो। अलार्म लगा रहा हूँ परसों का।